त्योहारों में हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ कम तेल वाला खाएं जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और साथ में त्योहार का मज़ा भी आए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम हेल्दी पोहा चिवड़ा की रेसिपी। तब तेल और घी का टेंशन नहीं, आप इस सुपर इजी तरीके से बना सकती हैं ये टेस्टी हेल्दी पोहा चिवड़ा। तो चलिए आज की दिवाली स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। हेल्दी पोहा चिवड़ा बनाने के लिए हम सारी चीज़ें पहले एक जगह इकट्ठा कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि इस डिश में क्या क्या जाने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पतले वाले पोहा लिए हैं। ये देखिए एकदम पतले वाले चाहिए, जो आर पार देखते हैं ना वैसे वाले चाहिए। चने की दाल, ये रोस्टेड बंगाल ग्राम मिलता है मार्केट में। इसके साथ हम ले लेंगे आधा कप ये मूँगफली, कच्चा मूँगफली मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो भुना वाला ले सकते हैं। आधा कप हम इसमें काजू ले लेंगे, काजू को ऐसे दो टुकड़ों में अलग अलग कर लें। आधा कप सूखा नारियल ले लेंगे, ढेर सारा करी पत्ता ले लेंगे, करी पत्ता से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। हरी मिर्च को ऐसे लंबाई में काट लें, मतलब चीरा लगा के। इसके साथ पिसी हुई चीनी ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। इसके साथ हम ले लेंगे यहाँ पर चाट मसाला पाउडर या फिर आमचूर का पाउडर, और इसके साथ काला नमक, आप इसकी जगह नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हम चलते हैं चिवड़ा बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए जो चिवड़ा है ना, इसे हम सूखा भून लेंगे। पैन में तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, और नॉनस्टिक या स्टील या एल्युमिनियम कोई भी बर्तन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें सूखा 8 से 10 मिनट तक भून लेना है। चिवड़ा को भूनने में समय लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे भूनना शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे ये श्रिंक होगा और क्रिस्पी होता जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने धीमा रखा है, तो चिवड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, पर आप इसे स्पैचुला से मिक्स करें, मेरी तरह हाथों से नहीं। और यहाँ पे जैसे इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप इसे ऐसे तोड़ के देख लीजिए। जब आप इसे ऐसे हाथों पे क्रश करेंगे ना, तो पूरा चूरा हो जाएगा, मतलब हमारा चूड़ा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और ठंडा होने के बाद ये और भी क्रिस्पी होगा। तो बस इसे क्या करना है कि हमें यहाँ से हटा लेना है। तो आप चाहिए तो इसे दूसरे परात में निकाल दें या फिर इसी में रख दें ठंडा होने के लिए। जैसे जैसे ये ठंडा होगा, वैसे वैसे ये कुरकुरा होगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम बाकी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई नहीं करेंगे, मतलब तेल में भून लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, इसमें ये मूँगफली को भून लें। ये देखिए नॉर्मली पोहा चिवड़ा बनाते हैं तो सारी चीज़ों को तल के निकालते हैं, यहाँ पर हम तेल का इस्तेमाल कम करेंगे और सेम वही टेस्ट लेके आएंगे। तो जैसे ही मूँगफली में दरार आने लगे, मतलब क्रैक्स आने लगे, तब हम मूँगफली को निकालेंगे और उसको इस चिवड़े में डाल देंगे। ये देखिए सारी चीज़ों को हल्के से तेल में फ्राई करके और उसके बाद वापस चिवड़ा में मिक्स करना है। और वापस ये जो भुना हुआ चना दाल है उसे भी भून लेंगे। वैसे भुना हुआ चना दाल को भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, सौंधा सौंधा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मूंगफली, चना दाल या फिर जो काजू नारियल है उसको आप सूखा भी भून सकते हैं। बस तड़के में आपको 2 चम्मच तेल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें भून के निकाल ली है। अब ये काजू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों के लिए 1-1 चम्मच तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही काजू का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए तो इसे भी निकाल के हमको वापस उसी में डालना है। तो ये वाला जो चिवड़ा है ना, बहुत ही आसान है बनाना। बस सारी चीज़ों को अलग अलग भूनेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसमें डालना है। तो ये वाला जो चिवड़ा है ना, बहुत ही आसान है बनाना। बस सारी चीज़ों को अलग अलग भूनेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब आप बोलेंगे कि हम सारी चीज़ों को एक साथ क्यों नहीं भून सकते? तो सबका कुकिंग टाइम अलग होता है। जैसे मूँगफली ज़्यादा देर में पकता है, काजू जल्दी पक जाता है। इसी वजह से कोई ज़्यादा जल जाएगा, कोई कच्चा रह जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ों को अलग अलग टेम्परेचर पर पकाए। तो यहाँ पर ये सूखा नारियल भी मैंने भून लिया है, इसे भी निकाल के इसमें डाल दूँगी। आप चाहिए तो इसमें बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत लोगों को किशमिश पसंद आता है, किसी को बादाम पसंद आता है। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम तड़के के लिए 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल दें, आधी छोटी चम्मच हींग, हरी मिर्च डाल दें, करी पत्ता डाल दें और इसे ऐसे पका लें। जैसे ये सारी चीज़ें पक जाएगी, हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी का इस्तेमाल 1.5 छोटे चम्मच करना है। हल्दी को तेल में पका लें और इसके बाद क्या करेंगे कि वाला जो चिवड़ा वाला पैन है वो वापस मैं गैस में रख देती हूँ और ये तड़का इसमें डाल देती हूँ। अगर आप बड़े पैन में तड़का लगा रहे हैं तो चिवड़ा को उसमें डाल दें और उसके बाद धीमी आंच पे 2 मिनट तक ऐसे पका लें। ये देखिए ऐसे मिक्स करते रहेंगे ना, तो चिवड़ा जो है वो क्रिस्पी भी रहेगा और चिवड़े का जो कलर है वो ऐसे येलो हो जाएगा। अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे काला नमक और 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। इससे क्या होगा, खट्टा मीठा और सारे फ्लेवर जो है वो एक ही साथ आएंगे। तो इसे ऐसे मिला दें। बस हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह इसे मिक्स कर दें ताकि जितना हमने चीनी, आमचूर का पाउडर या नमक डाला है वो मिक्स हो जाए।
बस ये देखिए, ये हमारा पोहा चिवड़ा बन के तैयार है, जिसे हमने बहुत कम तेल में बनाया। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे एयर टाइट जार में भर के आप इसे स्टोर कर सकते हैं महीनों तक। बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी पोहा चिवड़ा नहीं बनाया ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर ना आप एक बार नमक भी टेस्ट कर लें, नमक सही है कि नहीं, नहीं तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पोहा चिवड़ा बन के तैयार है। तो इसे मैं क्या करती हूँ कि ऐसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो इस नमकीन को आप घर पे बना के रख सकते हैं मेहमान को चाय पे देने के लिए या बच्चों के खाने के लिए, और आप इसे ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं। तो इसे बनाना आपने देखा कितना आसान है, और इसमें हमने ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, कोई तेल की स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो मेरे कहने पर आप इस हेल्दी पोहा चिवड़ा की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।